राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, मैरिज कर लिया? ये क्या राजू भाई, इस दाढ़ी वाले को शादी में नहीं बुलाया, कोई इनविटेशन नहीं, ऐसा अच्छा नहीं है भाई। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, ये राजू भाई ना बहुत अच्छे आदमी है, बहुत लकी है, बहुत लकी है। मूवी देखना है समझा? मूवी ओके भाभी, टिकट मैं लेके आता हूँ। राजू भाई आइए आइए, इस तरफ से आइए आइए, सोफा वाली सीट लिए आइए, संभाल के अंधेरा है, आइए 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 भाभी, यहाँ से फुल स्क्रीन दिखेगा, मैं ठंडा लेके आता हूँ। मैंने ये मूवी 40 बार देखी है, मुझे इसका हर डायलॉग अच्छे से याद है। राजू भाई ये ठंडे वाला ठंडा है भाई। ये क्यों लाया आपने? मिल बांट के पीने से प्यार बढ़ता है भाई। ओके बाय भाभी जी। हेलो कमिश्नर सर हैं? मैं राजू भाई बोल रहा हूँ, पहचाना कि नहीं? आपकी बेटी को मैंने किडनैप किया है, हम दोनों ना भाग के शादी करने वाले हैं, ठीक है ना? क्या कर रहे तू? दिमाग लगाओ, जैसा बोलती हो वैसा ही कर, कंफ्यूज मत हो। राजू भाई का जो बोलने का स्टाइल है ना, वो बिल्कुल शेर जैसा है। और तू एक मरे हुए मुर्दे जैसे धमकी दे रहा है, ला फोन दे। ए कमिश्नर राजू भाई, तुम्हें पहले भी वार्निंग दे चुका था, लेकिन तुम बाज नहीं आए। एक ही तो बेटी है तुम्हारी। लो अब तुम समझ गया, ठीक है। कमिश्नर सर। सुपर। मैं बोलो 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 बोलो। एक्चुअली मेरे डैडी ने फिर से मेरी शादी तय कर दी, इसलिए मैं तुम्हारी ट्रिक यूज कर रही थी। सर, लड़की की अरेंज मैरिज करवाओगे तो यही करेगी, आपकी बेटी लव करना चाहती है और अभी तक इसे कोई मिला नहीं। लड़के आपके घर तक तो आते हैं लेकिन आपकी यूनिफॉर्म देखकर भाग जाते हैं। कुछ दिन छुट्टी लीजिए, कहीं घूम आइए और इससे बात कर लीजिए। मुझ जैसे अजनबी को इसने अपनी कहानी बताई है, पता लगाइए ये क्या चाहती है और फिर इसकी शादी करवाइए। अब ये दोबारा भाग जाए तो हमारे आदमियों को मत उठाना। गेट इन। कायरे, तेरी खूबसूरती पर तो शीला और मुन्नी भी फिदा है, मेरे को अगर चांस मिल जाए तो बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग करके उनकी तो छुट्टी कर दूं। तू तो मेल वर्जन है ऐश्वर्या राय का, लोगों को तेरी खूबसूरती की कदर नहीं है। हमारी अरे साला, तेरी मेरी रानी का कांच फोड़ा, एक गाड़ी रोक। अबे ओ भूतने की औलाद कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे गाड़ी के टायर में, पागल है क्या? अभी तक रानी को खरीदे 2 ही महीना हुए और तूने उसका सीधा ठोक दिया। अभी तक मैंने नहीं ठोका साला, अभी किसके आईने में देखूंगा मैं अपनी चैन से सुंदर शक्ल। टैक्सी खाली है? साइड मिरर टूट गए, चलेगा तो बोल। क्या हुआ ब्रदर, सुबह सुबह इतने टेंशन में क्यों? अरे सवेरे सवेरे किसी येड़े ने मेरी इमेज को डैमेज कर डाला। सुबह सुबह क्या खुद की शक्ल देखी थी? अबे पहली गाड़ी पकड़ के मेरे जले पे यहाँ तू नमक छिड़कने के लिए आया क्या? नहीं मैं बस कह रहा था। किधर जाने का है वो बोल। पार्ला जाना है मुझे। हाँ तो चलो ना, छोड़ता हूँ, लाओ सामान लो। साला ये भी एक साइड से डैमेज ही है मेरी रानी की तरह, लगता है ये भी कहीं से ठुकवा के आया है। चल अंदर। भाओ किधर से हो तुम? तुम कोल्हापुर से हो ना? माँ आईला, तुमको कैसा पता चला? तुम्हारे स्टाइल से पता चलता है, पूरे कैरेक्टर हो। स्टाइल पे तो पूरा कोल्हापुर मरता है। यहाँ मुंबई में कब से हो तुम? यहाँ पे लगभग अपन को 15 साल हो गए। वैसे तुम कहाँ से हो? गई है तुम्हारी? 5 साल पहले हुई। अच्छा। थी बाइकों का हवाला है। और बच्चे? और तुम्हारी? दो बच्चे हैं मेरे को। क्या हुआ, मुंह क्यों उतर गया तुम्हारा? हमेशा सवाल मेरा होता है और जवाब पैसेंजर का होता है, लेकिन आज तो सारा सब उल्टा हो रहा है। इसको गाड़ी से उतारने से पहले एक सवाल तो पूछो। देखो एक मिनट,
मेरे को भी तुमको एक सवाल पूछने का है। ठीक है पूछो। बोलने का नहीं है बीच में? हाँ नहीं बोलूंगा। ये बताओ इधर कौन सा काम से आया है? यहीं जाना है मुझे। ये लेफ्ट में गाड़ी लगा दो। यहीं मारी कसला पैसेंजर है, केबीसी खेल रहा है मेरे साथ। चलो उतरो। साला आज का दिन ही खराब है, पूरे रास्ते में इसकी बकबक सुननी पड़ी। पता नहीं बैग में क्या भर के लाया है। थैंक्स साहब। पैसा यहीं वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे भाई इसको एक चाय देना। फिर कब का? अरे मेरे को मुंह है मांगने को। हाँ जानता हूँ, उसी मुंह के लिए तो चाय मंगाई है। हेलो ब्रदर, चलें। क्या बात है, ऐसे चुप क्यों बैठे? हे क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे भाई? अरे तुम बोलने दोगे तब ना, पुलिस के माफिक सवाल पे सवाल पूछते हो। अगर केबीसी में इतने सवालों के जवाब देता ना तो आज मैं करोड़पति होता। तुमने अपने बारे में अभी तक बताया क्या? तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, यही ना? तो पूछो क्या जानना है। थैंक यू भाई। अरे यही हो जाएगा, यही है ना? मुझे यहाँ भी जाना है। अरे पीछे चली गई, रुको ना। अरे यू टर्न मारता हूँ। अभी तो दिल करता है कि टैक्सी से पूछो। शक्ल से कितना भोला है, लगता है गांवठी देशी पी पी के बोर हो गया है, इसलिए मुंबई में अंग्रेजी पीने आ गया है। साला बिना पिए ये लड़खड़ा के चलता है, पीने के बाद तो ब्रेकडांस ही करने लगेगा। इधर आ जा। उन लोगों से क्या पूछ रहा था तू उधर? राजू राजू को एक शेर के बारे में क्या पता होगा? कुछ नहीं। राजू भाई मुंबई का किंग। किंग है वो। तू कौन रे? मैं कृष्णा, राजू का भाई। भाई कृष्णा? अरे राजू भाई का भाई। ड्रिंक 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 लो, ये लो, पियो पियो पियो। नहीं नहीं चीयर्स। नहीं मैं ड्रिंक्स नहीं लेता। पीते नहीं हो? नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। राजू भाई तुम जानते हो राजू भाई क्या चीज थी? उनका नाम लेते ही लोगों की पेशाब छूट जाती थी। राजू भाई के नाम से पूरी मुंबई कांपती थी। चीयर्स। राजू भाई मेरा फ्रेंड, राजू भाई किंग। राजू भाई आएगा तो सबको मारेगा 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 सबको मारेगा। सर राजू भाई हे, ये पक्का झेंगो क्या है? तेरी तो साले, ये क्या क्या? माफ कर दो साहब। अबे भूतनी क्या दिखता नहीं है क्या? अभी भी नई गाड़ी करके दिमाग है कि नहीं तेरे पास? चल यहाँ से। जा रहा हूँ। क्या हुआ, मुझे बीच में ही छोड़ के भाग रहे थे? क्यों ना छोड़ू, मैंने पूरी स्टोरी सुनी, मुझे तुम्हारा पूरा फ्लैशबैक पता चल गया। पहले बोलने को नहीं होता, नहीं बोलने को होता पहले कि तुम राजू भाई के भाई हो। ये देखो ऊपर देखो, तुम्हें क्या लगता है ये गाड़ी में जो मैंने स्टिकर लगाया अपने शौक के लिए लगाए क्या? देखो होल है इसमें, ये होल मेरी रानी में ऐसे नहीं बने। तुम्हारा भाई बैठे शूट आउट हो गया, लोगों के गाड़ी के टायर पंचर होते हैं लेकिन तुम्हारे भाई ने पूरी गाड़ी पंचर कर दी। तुम लोगों को सवाल पूछ पूछ के मारते हो और तुम्हारा भाई लोगों को गोलियां चला के मारता है। तुम दोनों भाइयों को खाली मेरी गाड़ी मिलती है क्या? ए भाई छोटे छोटे बच्चे बूढ़ी माँ है मेरे को, और मेरे को रानी में ज्यादा होल नहीं करवाने, इसलिए मेरे को माफ कर दे। तू जा बाबा। अरे तू बाजू लाओ रे, एक तो डेढ़ पैर लेके आ गया। अरे सुनो तो सुबह सुबह चाय की जगह देसी मार है क्या? रे यार, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नुकसान जो है उसका पैसा कौन भर के देगा? सुबह से बोन ही नहीं हुई रे।
बच गया, चला गया। अरे तुम अंदर आके कब बैठा? मैंने रिक्शा की फ्रंट साइड ठोक दी और तू अपनी बैक साइड टिका के बैठा है। तुम्हारा भाई वायलेंट किलर था और तुम तो साइलेंट किलर है बाबा। इसका मतलब मेरे को तुम दोनों भाइयों को इधर मुंबई में झेलना ही पड़ेगा। अब बोलो किधर जाने का है तुमको? कामाटीपुरा चलने का। कामाटीपुरा यही चौथा है, जब सही उम्र में शादी नहीं होती तो यही चौथा है। चलो अच्छा है, जवानी उफान तो मार रही है। चलो गो। शास्त्री जी आज तो कमाल हो गया, आपने तो आग लगा दी। आपके भैरवी राग ने तो सब पर जादू कर दिया, जवाब नहीं आपका। क्या सुरीला कंठ है आपका, आपके कंठ में तो साक्षात सरस्वती का वास है, बिल्कुल तानसेन की तरह गाते हैं आप। आइए शास्त्री जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप लोग बैठिए बैठिए, ये हमारे खास मेहमान हैं। मुंबई में इनकी बहुत इज्जत है। ये लोग आपका गाना सुनने आए शास्त्री जी। शास्त्री जी ये मुंबई के दादा हैं। सही कह रहे हैं ये? अरे बाप रे दादा, यहाँ के दादा? जी शास्त्री जी। अगर ये यहाँ के दादा हैं तो मैं संगीत का दादा, यू नो आई एम दादा ऑफ संगीत। आज गाएंगे ना? तुम लोग संगीत को क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगता है ये कोई हलवा है, जब जी चाहा बांट दिया खा लिया? नो, म्यूजिक संगीत एक साधना है, आत्मा को संतोष देने वाली एक कला है। आज मुंबई में बरसात कैसे हुई जानते हो? मैंने जब सुर लगाया और छेड़ा मेरा अमृत वर्षिणी राग, सुर ऊंचा किया और ऊंचा उठाया, स्वर्ग के वर्षा के देव को छुआ और झमा झम 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 टप 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 पानी बरसा, पूरी मुंबई फ्लोटिंग। अमेरिका से ओबामा ने वंस मोर कहा लेकिन मैंने एंटरटेन नहीं किया, तो तुम क्या चीज हो? चूजे। अरे ये तो बिना बारिश के ही बरस रहा है। रिक्वेस्ट करो ना प्लीज प्लीज। अरे इनको ले जाओ यहाँ से, ले जाओ, अभी मेरा मूड बिगड़ गया है। जाओ भाई जाओ। चलो यार। रुक, मैं बात करता हूँ। चंदू सर, आप जितने पैसे लेते हैं उससे 4 गुना देंगे। ओहो, पैसा दिखा रहे हो? तुम रिश्वत देकर संगीत को खरीदना चाहते हो? अरे तुम मुझे समझते क्या हो? नो 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 नो, ले जाओ इनको यहाँ से, मेरा मूड नहीं है सुना। नहीं कि तुम लोगों ने, निकालो बाहर इनको यहाँ से। चल यार, चल निकल। रुक राजू रुक, मैं बात कर। रुक जा प्लीज। जाओ भाई जाओ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। धमकी थोड़ी ना दे रहे हैं आपको हम, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन्होंने आपका शो देखने के लिए पहली सीट पे टिकट खरीदी थी, मेरी वजह से लेट हो गए, हम मीटिंग में फंस गए थे ना। प्यार की खातिर सर, वरना इनका ब्रेकअप हो जाएगा। गा दीजिए ना। प्यार करते हैं ये दोनों एक दूसरे से, क्यों? ओके। यू नो ब्रदर, भैरवी के बारे में क्या जानते हो? ये सिर्फ एक राग नहीं है, मेरी आत्मा है। मैं भैरवी से प्यार करता था, मैं भैरवी से शादी करना चाहता था, मगर भैरवी गुजर गई, अब वही मुझे गाइड करती है। तुम 4 गुना पैसे दे रहे हो तो मैं क्यों नहीं गाऊंगा? इन दोनों के प्यार के लिए मैं अब फिर से गाऊंगा। बस तुम देखते हो, ये तो मान गए। कम ऑन स्टार्ट द म्यूजिक। इसको कोई दौरा पड़ गया है क्या? ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अबे क्या कर रहा है? से नहीं हो पाएगा, तुम लोग झेलो। अरे मैं भाग जाऊं, किला मत छोड़। अरे बाप रे, पागल कर दिया यार। तुम लोग यहाँ क्यों चले आए? नाइस ना,
हाँ, ब्रिलियंट। हम तो ये देखने आए थे कि कॉन्सर्ट की वजह से बाहर बारिश तो नहीं हो रही। हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर आए। सत्यानाश हो उसका। कितना बेसुरा था वो। भैरव राग गा रहा था, लगता है अपनी गर्लफ्रेंड भैरवी को यही राग सुना सुना के मार दिया होगा।